अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन पोल्ट्री। और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्वॉट होता क्या है। व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? Identification of internal strength and weaknesses and examine the external opportunity and threats. अब किसी भी बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, स्ट्रेंथ कौन सी और वीकनेसेस हैं, इसको एनालाइज करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस को यूज करते हैं। अगर बात की जाए पोल्ट्री इंडस्ट्री की तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, तो वो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है ओनर्स आर वेटनेरियन। जो जितने भी ओनर्स हैं वो वेटनेरियन है। पीपल रिलाई ऑन पोल्ट्री मीट, जो पीपल्स हैं वो रिलाई करते हैं पोल्ट्री मीट पे, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हमें इसकी हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो पीपल, जितने लोग हैं वो मीट, पोल्ट्री मीट को प्रेफर करते हैं। एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर फीड स्टफ हम जितना भी है वो हम कंट्री से ले रहे हैं। सफिशेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे पास एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ये अपॉर्चुनिटी है पोल्ट्री इंडस्ट्री की, और इसमें 750 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ 1.5 मिलियन पीपल जो है वो बसता है बिलावास्ता या बिलवास्ता इसके साथ है, अटैच हैं। मोस्ट सेक्टर आर पैरेलल विद इंटरनल लेवल्स, इंटरनेशनल लेवल्स इंक्रीज 10% एनुअली, इसमें 10% के हिसाब से पर ईयर ये इंक्रीज कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की कौन कौन सी वीकनेसेस हैं? सबसे पहले वीकनेस आती टैक्सेशन। अगर हमने बाहर से कोई फीड के स्टाफ या फीड इंग्रेडिएंट हमें परचेज करना, उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी तो भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स बहुत हाई है। दूसरा आता है डिजीज आउटब्रेक, हमारे पास डिजीज आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है, एन डी आ जाती है, कभी कभी आई भी आ जाती है, जिसकी वजह से ये भी एक वीकनेस है पोल्ट्री की कि हम किसी भी डिजीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते पा रहे हैं। इम्पोर्ट ऑफ सोयाबीन, हम फीड इंग्रेडिएंट का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है सोयाबीन है, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। इसमें पाकिस्तान में वो इम्पोर्ट किया जा रहा है लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। फीड प्राइसेस, जो फीड की प्राइस है वो बहुत हाई है। और इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन, हम वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी वीकनेस है। इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, हमारे पास इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज नहीं है, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वीकनेसेस जो हैं वो और कौन कौन सी हैं? लाइव मीट मार्केट है, ये भी पाकिस्तान की प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही हम फटा सिस्टम लगाया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एक बर्ड को प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो भी बहुत हाई है। लैक ऑफ बायोसिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी की कमी है। इनप्रॉपर मेडिकेशन, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत हमारे पास मसला है। हमारे पास ऑनर, हमारे पास कोई भी अपनी बायलर की या लेर की स्ट्रेन मौजूद नहीं है, हमें ये भी बाहर से हमें इसके जीपी ऐसे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और मार्केट की फ्लक्चुएशन, कभी एकदम से प्राइस ज़्यादा हो गया कि एकदम से कम हो गया, तो ये भी हमारी वीकनेस है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं हमें कि इंक्रीज कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री मीट, जैसे जैसे पोल्ट्री मीट की डिमांड बढ़ रही है तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम नए ब्रॉयलर प्रोड्यूस करें। मोर स्किल्ड पर्सन, मतलब कि ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग, जैसे लाइव मीट हमारे पास है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ये भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्स आ रहे हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हम इनको भी प्रोसेस कर सकते हैं। और वैल्यूएशन जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी हमारी एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग, हम जब बर्ड कोई हमारे पास डिजीज आउटब्रेक हो जाती है तो हम उसको कंपोस्टिंग के ज़रिए हम उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैन्युफैक्चर, हम वैक्सीन और इक्विपमेंट हम बना सकते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। फ्री रेंज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
पाकिस्तान में हम मीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और इंटीग्रेशन सिस्टम हम पूरा अपना बना सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। थ्रेट कौन कौन से हैं, इसको कौन कौन से पोल्ट्री इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को थ्रेट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले डिजीज़ है, डिजीज़ का थ्रेट है हमें कि कोई भी हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर कोई भी हमारे पास डिजीज़ आ जाती है जिससे हमारी प्रोडक्शन सारी ख़त्म हो जाती है। तो मोनोपोली ऑफ फ्यू कंपनीज, पाकिस्तान में कुछ कंपनी हैं मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी मोनोपोली की वजह से रेट्स में और मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है। बायो सिक्योरिटी थ्रेट है, एनर्जी क्राइसिस, टैक्सेशन, फीड कॉस्ट इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर यू। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।